Welcome back to FSA Entertainment. I'm at Sohail's Pigeon Loft in Andheri East, Ghatkopar actually, in Mumbai, Ghatkopar West. Assalamu alaikum, Sohail bhai. Walaikum assalam. Sohail bhai jo hai, he has a few huskies and unki female husky ne bacche diye. And last time also we covered his huskies, right? And they were long, what do you woolly call it? Woolly coat. Long coat. They're not actually considered huskies, na? No, no, they're pure Malamute huskies. और वुली कोट हस्कीज जो मैं आपको पूरे डिफरेंशिएट करके आपको पूरा बताऊंगा वीडियो के अंदर क्या है क्या नहीं. What we have at the moment. What a beautiful pup. How old is he? He is around 46, 47 days old. Self-feeding. Yes, right? Yes. Okay. After 20 days, they start eating on their own. Okay. On the 21st day, we feed them for the first time. मतलब पहले बार हम लोग उसको 21st day पे खिलाते. 45 दिन हो गया तो क्या इसको कुछ वैक्सीन लगी होगी? First vaccine 9-in-1. कितनी वैक्सीन लगती है इनको? दो वैक्सीन लगती है, एक फर्स्ट वैक्सीन लगती है. कोई कोई लोग पपी डीपी भी मारते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन मारते हैं. हमने नहीं मारा पपी डीपी, डायरेक्टली फर्स्ट वैक्सीन दिया है और फिर उसके बाद उसका बूस्टर लगता है. दिस इज द वुली कोट, राइट? यस प्रॉपर वुली कोट. ओके. एंड मेल है फीमेल है? मेल पपी है. दिस द ओनली वन यू हैव? यस यस एट द मोमेंट ये एक ही है, बाकी सारे बिक चुके हैं. सो ये आपको देना है, यू कैन नॉट कीप इट, यू वांट टू सेल इट ऑफ? Yeah, I want to sell it off because I want to change the lines now at my place. Okay. जो ब्रीडिंग करता है उसको लाइन्स चेंज करने पड़ते हैं, तो इसका फादर ऑलरेडी मेरे पास है. अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो इसको फ्यूचर ब्रीडर करके रखेंगे. एक्चुअली बाकी सब इसके साथ वगैरह के लिए नहीं देना है. फ्री अडॉप्शन वाला काम ही नहीं है अपना. अपन पैसे लगा के लाए है ना चीज. राइट. फ्री अडॉप्शन कौन देता है? जो परेशान हो गया जानवरों से, जिसका नहीं बिकता है. अच्छा, लोग जो है ये ऑनलाइन बोलते हैं भाई अडॉप्शन के लिए बिल्ली है, फैंसी बिल्ली या कुत्ते. जब अडॉप्ट ही करना है तो जंगली कुत्ता अडॉप्ट कर लो ना, वो क्यों नहीं करती है लोग? सबका अपना अपना नजरिया है. सबको हाँ, अभी आप एक इंडी स्ट्रे डॉग डालो अडॉप्शन के लिए, कोई नहीं मांगेगा. ये बच्चा मैं अभी डालू फ्री अडॉप्शन के लिए, बताइए इसके बारे में. और यू आर टॉकिंग अबाउट तो फिर इसका मैं ये डिफरेंशिएट कर रहा था, क्या ये जो लॉन्ग लॉन्ग कोट है ना, जी लॉन्ग कोट है ये. मतलब जो वुली कोट बोलते हैं. अब वुली कोट इसको नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो राउंड है ना पूरा, ये वुल के जैसा दिखता है. देखो आप जो इसका फर है, फर क्वालिटी, इसीलिए उसको वुली कोट रहते हैं. जब अपन इसका बाल ट्रिम करते हैं ना, जैसे मेंढो का भी होता है, तो पहले घुंघराले बाल होते हैं और फिर उसके बाद इनको पूरे स्ट्रेट बाल होते हैं, अगर आप प्रॉपर टाइम टू टाइम कंघी करोगे तो. और मैलम्यूट का जो कोट होता है ना, कोट सेम इसके जैसा रहता है. उसका मजल बड़ा रहेगा, ईयर सेट जो है वो ब्रॉड मजल, ये बहुत ब्रॉड रहेगा और लंबा रहेगा मैलम्यूट का. आईज जो है वो ब्लू नहीं आती मैलम्यूट में. अच्छा. नॉर्मल कलर की आईज आती, हेजल कलर की. okay. यानी जो ब्राउन कलर होता है वो हस्कीज में भी आती है. okay. क्योंकि जो ओरिजिनल है वो नॉर्मल आईज ही है. फिर उसके बाद ब्लू जो है वो रिसेसिव जीन्स के वजह से होता है. okay. जो ब्लू है वो, हाँ जी, किसी का ऑड होता है, किसी का पार्टी आईज होता है. पार्टी आईज यानी आधा ब्लू आधा ब्लैक, आधा आधा मेरे पास है. नहीं, वो ऑड आईज, वो ऑड आईज. और पार्टी आईज मतलब एक ही आंख में आधा ब्लू और आधा ब्लैक ऐसा. तो इनमें कौन सा कलर है? और सुनो ना, मैं पूरा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. मैलम्यूट का जो है ना टेल सेट जो होता है, ये टेल सेट, दिस इज कॉल्ड टेल सेट. हस्की का मैक्सिमम इतना होएगा, इसके ज्यादा नहीं होएगा. मैलम्यूट पूरे राउंड करके ऐसा गिरा देता है. ऐसा है क्या? हाँ. ओके. दोज आर मैलम्यूट लाइन्स. You have any Malamute? नहीं Malamute lines का अपन कुत्ते क्यों रखेंगे? जब Malamute रखना तो प्योर रखेंगे ना, उसके लाइन्स का क्यों रखेंगे आधा? मैं ये नहीं बोलूंगा कि वुली कोट बनाने के लिए मैलम्यूट का यूज बहुत लोग करते भी है. कोट वो मैलम्यूट और एक आता है शॉर्ट कोट हस्कीज. दोज आर प्लश कोट एंड देन देयर आर शॉर्ट कोट्स. वो जो मैंने अभी जोधपुर में कवर किया, व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ शॉर्ट कोट वन. एंड इफ यू वांट अ प्लश कोट वन, उसका बाल है ना मीडियम कोट रहेगा. मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं रहेगा और ज्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा. और जो उसका टेल सेट होता है ना, टेल वो बुशी रहेगा, एकदम लॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन बुशी, लाइक फॉक्स टेल, मतलब बुशी बोलते हैं उसको. ओके. हाँ, बुशी टेल रहेगा, एकदम कम भी नहीं रहेगा. और जो शॉर्ट कोट के रहते हैं ना, उनके आंग पे आपको एकदम स्मूथ कोट दिखेगा. ओके. सिंपल.
Okay. और जो शोज के लिए यूज करते हैं ना वो प्लश कोट के कुत्ते रहते हैं ओरिजिनल, उनके पैसे भी उतने रहते हैं। ये तो शो में उतार ही नहीं सकते ना आप, ये जो नॉर्मल शोज होते हैं ना उसमें आप कौन सा भी ब्रीड उतार सकते हो। Okay. आप इंडियन स्ट्रे डॉग भी उतार सकते हो, हस्की का जो होता है उसमें नहीं उतार सकते। हाँ, जो हस्की का प्रॉपर होता है ना जहाँ पे शोज, उसके अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड कोट यूज होते हैं जो प्लश कोट के रहते हैं, नॉट इवन शॉर्ट कोट। लोग शॉर्ट कोट को भी स्टैंडर्ड कोट बोल के बेचते, समझे? ये डिफरेंशिएट रहता है इसके अंदर बहुत कुछ। वो भी जो कलर बोल रहा था दानिश, बोल रहा था कि व्हाइट कलर को तो लेते भी नहीं है भाई, कलर इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाइट कलर मैं आपको पांच दिखाता हूँ मेरे पास। अच्छा, रेयर की बात नहीं है, पांच कुत्ते मैं दिखाता हूँ जो अपने खुद के, दुनिया की नहीं बात कर रहा हूँ मैं अपने खुद के। व्हाइट कलर इज नॉट रेयर, इट इज अ जेनेटिक डिफेक्ट, अल्बाइनिज्म जो बोलते हैं ना, अल्बाइनिज्म है व्हाइट कलर में। सिर्फ ये है कि इनकी आंखें लाल नहीं होती, ब्लू होती है या तो फिर अदर कलर रहते हैं। Okay. अल्बाइनिज्म ये सब क्रिएट किए है क्योंकि वो खूबसूरत लगते हैं। Right. और इनमें भी जो दी अदर शेड दैट हैज कम, वो जो ब्लैक और बेज कलर का आता है, इसमें वो है ही नहीं वो ब्लैक कलर टिपिकल हस्की में जो हम देखते हैं। कलर्स मैं आपको बताता हूँ, देयर आर फोर कलर्स इन हस्की व्हिच आर डोमिनेंट कलर्स, ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट इवन द एंटायर ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। सुना ना भाई, तुम इधर उधर घूम, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, ग्रे एंड व्हाइट एंड द एंटायर व्हाइट, दीज आर डोमिनेंट कलर। अब इसके अंदर से व्हाइट को जब मिक्स करते हैं ना दूसरे कलर में, इसमें चांसेस है कि पाइड कलर भी आता है। ये सब नाम किसी ने सुने भी नहीं रहेगी। दिस इज प्रॉपर कॉपर एंड व्हाइट विच इज अ वेरिएंट, ये क्या होता, नहीं चेंज नहीं होगा, ये डार्क कलर होगा इसके जैसा। चेहरे पे जैसे डार्क कलर है ना, ये डार्क कलर होगा। इसमें इसकी माँ जो है वो रेड एंड व्हाइट है प्रॉपर, और जो फादर है वो कॉपर एंड व्हाइट है। तो ये जेनेटिक्स ऐसे खेलता है। और वो कोई लेके जाता है अगर, तो वी आल्सो टॉक अबाउट केयर टेकिंग कैसे। यस यस, एवरीथिंग वी गाइड देम एंटायरली। जो भी लेके जाता है, आज से नहीं कर रहे, आपको भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह अभी चौथा साल चल रहा है ब्रीडिंग के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको सब कुछ पूरा प्रॉपर बताते कि क्या खिलाना है, कैसे रखना है। बहुत लोगों के क्वेरीज रहती, सिर्फ एसी चाहिए, एसी नहीं, आप फैन कंटिन्यू रखो। अच्छा, इंसान को भी आज के तारीख में फैन लगता है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई है कि फैन के बिना इंसान नहीं रह सकता। घर के अंदर रहेगा तो बाहर तो रह सकता है, घर के अंदर नहीं रह पाएगा। अच्छा, सही बात है ना, हंस रहे तुम? अरे मैं सही बात बता रहा हूँ, फैन कंपलसरी है। आप जहाँ भी उसको रखो, फैन कंपलसरी रखो। अगर आप फ्री ही रखते हो घर के अंदर, कोई इश्यू नहीं, जहाँ फैन रहेगा वहाँ आके बैठ जाएगा वो, अगर उसको गर्मी लग रही है। इनके बाल बहुत झड़ते हैं, बाल साल में दो बार होता है, साल में दो बार शेडिंग होता है। पोषण करके कैसे परेशान हो जाते हैं मेरे चाचा, गिराते रहते हैं बाल। हस्की का साल में दो बार शेडिंग होएगा, जिसको जमता है शेडिंग वही ले, बाकी नहीं तो लोग बहुत जन फिर अडॉप्शन में डाल देते कि हमको नहीं जम रहा, हमारे घर में बाल हो रहे करके कुत्ते के। अच्छा अच्छा, समझे? तो जिसको जमता है पहले स्टडी करो, गूगल पे आजकल सब कुछ मिलता है, स्टडी करो ब्रीड के बारे में, कौन सी भी ब्रीड लो, आप हस्की की बात नहीं कर रहे, आप कोई भी ब्रीड लो उसके बारे में स्टडी करो, फिर उसके बाद कुत्ता खरीदो, नहीं तो लो मत। ओके, हेल्दी ना, हेल्दी पपी ना भाई आपके सामने है, वो फर्स्ट टाइम घर के बाहर आया है, वो इसके लिए इतना डर रहा है, लेकिन इतना मस्त है, हिल नहीं रहा है कहीं भी, वो फर्स्ट टाइम आया है बाहर ही। Okay. ये उसने कभी सराउंडिंग देखा ही नहीं है। Okay. सिर्फ घर में, अभी घर में लेके जाओगे ना आप परेशान हो जाएगा, इतना मस्ती करता ही है। हाँ, जिसको प्लेइंग वीडियोस अगर चाहिए, नहीं 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 दूंगा भाई, वो टाइम पास करने वाले बहुत रहते, सिर्फ मांगेंगे वीडियोस, वो जाने दो, जिसको लेना है ना वो आओ फिलहाल आके देखो सामने, और फिर मुंबई में है तो कितने में आ जाएगा, प्राइस बताओ वीडियो में बताओ क्या है। ठीक है, 35,000 में देना है, आगे जो भी रहेगा सामने बैठ के बात करेंगे। 35,000 विच इज वर्थ, क्योंकि मैंने इसके माँ बाप 80,000 रुपीज़ के लिए, इसकी जो माँ है वो अच्छी लाइन की है, बैंगलोर का टाइटन है, जो इम्पोर्ट है थाईलैंड इम्पोर्ट, पूरे लाइन की पेडिग्री बता रहा हूँ, थाईलैंड इम्पोर्ट टाइटन है। नाम नहीं लूँगा सामने वाले का क्योंकि मेरी इससे बातचीत तो है नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी बेटी है इसकी माँ। क्वालिटी देखो, फर क्वालिटी देखो उसकी, 45 डेज के एज में फर क्वालिटी देखो, आप सब मजल देखो उसका, प्रॉपर ईयर सेट देखो, जो मैलिम्यूट के ईयर सेट रहते हैं ना वो लंबे लंबे कान आते हैं। okay, ये शॉर्ट ईयर्स है। okay. अजल भाई, इनका कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है केसीआर रजिस्ट्रेशन आपको एक साल के बाद मिलेगा, क्योंकि जो इसका फादर है वो केसीआर रजिस्टर्ड नहीं है, माँ केसीआर रजिस्टर्ड है। okay. तो वो आप एक साल के बाद अननोन पेडिग्री के अंडर आएगा, क्योंकि बाप नहीं है ना। अच्छा, मैं दूसरे लोगों के ऐसा नहीं करूंगा, दूसरे लोग क्या करते, किसी का भी पेडिग्री का ये लेते,
KCR registration और match करके बोलते ये इसका बाप है। अच्छा, anybody who keeps dogs or breeds dogs तो उनको कुछ permission लेनी पड़ती है authorities वगैरह की? एक government के तरफ से एक license बनता है, वो एक साल के बाद होता है कि कल को कुछ आपका कुत्ता किसी को काटे नहीं तो वो रहता है एक municipal, आप ऑनलाइन भी भर सकते हो उसका फॉर्म, या तो फिर आपका जो वार्ड रहेगा उधर जाके आप रजिस्टर करा सकते हो। कुछ नाम रखे उसका? नहीं, देना है तो नाम नहीं रखेंगे, अगर नहीं बिकेगा तो नाम जरूर रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देना है 35,000 रुपए में, नेगोशिएबल है। हाँ, आप आओ सामने फिर बात करेंगे। चेडन, शुड आई पुट योर नंबर? हाँ, इसका ही नंबर। व्हाट इज योर नंबर? 9987 4774 5553 5553 कॉल अप जेडन, जेडन यू आर ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर? या ठीक है, जेडन को मैसेज कीजिए। ठीक है, इसका फादर भी दिखाएंगे भाई। ओके, अभी बता बता बता, मैं पॉज करता हूं। ठीक है, चलिए इसका फादर लेके आ रहा है जेडन, जब तक के तब तक के इसके बारे में और कुछ बताया, क्या टॉक अबाउट केयर टेकिंग को ये लेता है आपसे? केयर टेकिंग ये है कि अभी इसको 3 to 4 times स्पीड चल रही है टिल ही रीचेस अराउंड 3 to 4 months। उसके बाद आपको सिर्फ उसको दो बार ही खाना खिलाना है। क्या लोग क्या करते, ओवर फीडिंग करते, उसमें गैस्ट्रो में आते, खाना चेंज नहीं करना, जो मैं बताता हूँ वही खाना खिलाना है। लोग क्या करते, लेकर जाते अपने हिसाब से महंगा खाना, कैंड फूड देते हैं इसको। कैंड फूड जो आता है? नहीं नहीं, जो पैलेट्स आते हैं वो खिलाते। ओके, अभी फिलहाल तो इसका रॉयल गर्न चल रहा है। ओके, मदर एंड पपी स्टार्टर। ओके ओके, स्टार्टर चल रहा है। अगर आप स्टार्टर से भी चेंज करते हो, सिर्फ लार्ज ब्रीड का खिला दिए ना, तो भी इसको प्रॉब्लम होगी। ओके ओके, तो वो सब अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। कुछ खिला सकते हैं? चिकन राइस विद कर्ड, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड चिकन बोनलेस विद कर्ड एंड राइस, कर्ड एंड राइस मिक्स करके। ओके, तो उससे कैसे उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और अपना जो भोपला आता है ना पम्पकिन, एक छोटा टुकड़ा डाल देने के, अच्छा, चिकन अच्छा, के करी के साथ, तो वो मैश करके जब इसको खिलाएंगे ना तो इसका डाइजेशन अच्छा रहेगा। ये अभी पॉटी ऐसी किधर भी कर देता है कि आपके घर पे अभी अभी, अभी, अभी छोटा है ना तो इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते जब तक इसका बूस्टर नहीं लगता। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसके लिए बाहर नहीं निकालते बच्चे लोगों को, घर में ही रखते। जब इनके पास भी आप जाओ तो हाथ पैर धो के जाना पड़ता है क्योंकि बीमारी की बहुत, गैस्ट्रो और पारो, ये मेजर, सॉरी व्हाट, गैस्ट्रो पेट का, हाँ, दूसरा और पारवो, वो गैस्ट्रो के ऊपर का स्टेज है। ओके, दैट इज वेरी डेंजरस, मतलब बच्चा मर जाता है। ओके, खून का उल्टी, खून का जुलप करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जब तक पूरी वैक्सीनेशन नहीं थी 3 months तक हम लोग सजेस्ट करते सामने वाले को घर में ही कराओ, उसके बाद आप उसको ट्रेन कर सकते हो बाहर टॉयलेट वगैरह। ट्रेन ट्रेन ऐसा होता है जैसे बच्चे लोग का है ना जो पेट होता है वो बहुत छोटा रहता है, तो जब वो खाता है ना उसको तुरंत टॉयलेट ये होता है। अच्छा, मतलब 5-10 minutes तो खाने के बाद तो तुरंत तुरंत उसको बाहर रख दो। ओके, जहाँ आपको कराना हो। ठीक है, ये इसका डैड है और ये भी पूरा शेडिंग का है, फर फिर भी फर बहुत अच्छा है इसका। नहीं, पूरा शेडिंग है। अच्छा, शेडिंग क्या है? इसी ऐसे हाथ लगाएगा तो पूरा बाल निकलेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडी है, उसमें थोड़ा पीछे ना, थोड़ा पीछे ना कर ले सर। इसकी हमने पहले वीडियो बनाए थे, वही वाला है चावा, चावा, हाँ हाँ। तो दे शेड इन विंटर्स? ओके, नहीं नहीं, ट्वाइस ट्वाइस शेड कर। ओके ओके, हाउ ओल्ड इज दिस चावा? ये अभी 3 साल का हुआ। ओके, अभी दिसंबर में हुआ। ये अडल्ट कब बनेगा? 18 months दिस विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस। नहीं, इससे अच्छा होएगा, थोड़ा हल्का कलर है ना इसका, इससे अच्छा होएगा क्योंकि इसका जो फर क्वालिटी है ना भाई उससे भी ज्यादा है। इसका भी ले लो चाहिए तो साथ में, ये देखो इसका फर क्वालिटी उससे भी ज्यादा क्योंकि इसकी माँ के बाल बहुत लंबे, वो इम्पोर्ट ब्रीड है। ये बैठेगा ऐसा? हाँ, ऊपर दोनों की एक फोटो आ जाएगी। तो 2 मिनट रुका हो ना, फिर थोड़ा यूरिन करके आएगा ना, फिर सुकून से बैठेगा। उसको यूरिन करना है, देखो करा दे उसको कक्का पॉटी। ठीक है, बता दिया टॉयलेट ट्रेन का, बता दिया बच्चा है खाना दो वैसे ही लेके जाके रख डालो, तो इमीडिएटली ये पॉटी कर डालता है, गेट यूज्ड टू इट, देन गेट यूज्ड टू इट। घर में ही हो जाएगा ना, फिर बाहर लेके जाओ बार बार, राइट? बाहर लेके तो जाना ही है ना आपको। कितने मतलब इनको लेके जाना पड़ता है, 3-4 बार? मिनिमम 3 times, उसके ऊपर आप अगर 4 times लेके जाते वेरी बेस्ट, 5 times लेकर जाते अच्छी बात है, लेकिन 3 बार तो भी लेकर जाओ बाहर। इट्स अ वेरी टेम्ड, नॉट अ नॉइजी ब्रीड दिस वन। स्टार्ट के 2 दिन है ना बच्चे लोग बहुत तकलीफ देंगे, आप कोई भी ब्रीड लो क्योंकि वो उसका सराउंडिंग छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहा है तो वो चिल्लाएगा। अगर आप उसको साथ में लेके बैठते हो लेकिन ज्यादा भी हाथ में पकड़ना अच्छा नहीं क्योंकि अपने हाथ की गर्मी भी इनको लगती है। राइट, तो इनको कहीं रखा जाता है? क्रेट, क्रेट, क्रेट के जाते, क्रेट के जाते जिसके अंदर नीचे ट्रेस भी रहते। okay. तो जब तक आप उसको हो सके उसके अंदर ही रखो, तो वो क्रेट ट्रेन भी होता है कि कल को अगर आपको बाहर जाना है अर्जेंटली कहीं पे, हाँ, क्योंकि हस्की एक बहुत न्यूसेंस ब्रीड है, मतलब क्या है, न्यूसेंस क्रिएट करते घर में जब ये बड़े होते हैं ना, तो इनको मतलब ये
इसको मारेगा नहीं ना? नहीं। I wanted, दोनों आजू बाजू बैठेंगे, बहुत अच्छी फोटो आएगी। ऊपर 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 देखो ना, उठा मस्ती करेंगे तो। ट्राई करो। उसकी मंडी ऊपर, उसकी मंडी ऊपर। आप भी इधर देखो सुजल भाई, वेरी गुड, वेरी लवली फोटो, थैंक यू। चलिए जिस किसी को भी लेना है आज किरण को कॉल कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो सो मच। देखो उसकी क्वालिटी, ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए, सर्विस के लिए अवेलेबल है। ये तो कंटिन्यूस का काम चालू रहता है भाई। okay. अभी कल भी इसका काम हो गया मीटिंग, क्योंकि स्टड है ना, अच्छा नहीं मिलता, और कैश पे भी करते हैं और पपी टर्म्स पे भी करते हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी फेंकता है। जो बच्चे की क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी मारता है। ओके ठीक है, तो सबको तो पता ही है, सावा का नाम है वैसे भी। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।